नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार। वृषभ राशि वालों, 2022 यानी ये साल, एक तो शनि की ढैया भी आपके ऊपर से उतर जाएगी और दूसरा ये साल बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी जीवन में जो खुशियां होती है वो आपको देगा। इसका कारण है कि 2020 की शुरुआत में ही आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि आपके इस वर्ष को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने वाले हैं और खुशखबरियां मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में पंचगृह योग एक महायोग भी बनेगा, यानी कि मंगल का आपकी राशि से सप्तम भाव में होना आपके लिए 2020 में, अगर आप व्यापारी हैं तो फिर छप्पर फाड़ सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिले आएंगी और जो तनाव थे, दूरियाँ थी, वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे तो भाग्य के कारक शनिदेव आप अपने से 12वें स्थान में होने से आपके भाग्य को थोड़ा सा कमजोर करेंगे, लेकिन फिर भी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अभी जो पिछले समय से जो कुछ कार्य हैं जो आपके बनते बनते अटक रहे थे, इस समय चूंकि शनि की ढैया आप पर चल रही है, लेकिन 2020 में यह ढैया 24 जनवरी से समाप्त हो जाएगी और शनि देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। अब भाग्य स्थान में आकर भाग्योदय करेंगे, सस नामक महापुरुष राजयोग बनेगा, तब पूरे 5 सालों तक आपके लिए समय बहुत सुखद रहेगा। यानी जैसे ही 24 जनवरी 2020 का वक्त आएगा, आपका पूरा लाइफ ही बदल जाएगा। 2020 आपके लिए बहुत कुछ बताता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि शुरुआत में ही आप आपके कुंडली में या गोचर के अनुसार देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अष्टमेश होकर विराजमान है, जो 29 मार्च तक रहेंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट पर इसका इफेक्ट है। तो पेट संबंधी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, खाने पीने पे ध्यान देना है और अपने जो आपका वेट है, इस समय वेट भी बढ़ा सकते हैं देव गुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं वेट ना बढ़ जाए। नौवीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके सुख भाव पर है, जिससे कि आपके घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, आपका अपना मकान बनेगा और अगर आप लंबे समय से घर खरीदना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए, इस समय अपना घर, अपना वाहन, सब कुछ मनचाही मुराद भी पूरी करेंगे देव गुरु बृहस्पति। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेट की समस्या है तो पेट की ही समस्या देंगे, नहीं, सुख सुविधा भी देंगे। और सुख सुविधा को बढ़ाने के साथ साथ इस समय आपके जो माँ के अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ थी तो उसे भी ठीक करेंगे। कुल मिलाकर देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन को भी बदलने वाले हैं। अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति 30 मार्च को आपके भाग्य के स्थान में आएंगे, जहां पर पहले से ही शनि देव भाग्य विधाता बनकर विराजमान है। अब भाग्य के स्थान पर गुरु और शनि की युति से बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, खासकर नीच भंग राजयोग भी बनेगा। अब नीच भंग राजयोग में तो अपार पैसा आता है लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं देता है, तो आपको स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन नीच भंग राजयोग का ही मतलब होता है बहुत कुछ जीवन में बहुत आसानी से मिल जाता है। शनि वैसे भी आपके कर्म के स्वामी हैं और बृहस्पति अच्छे सलाहकार माने जाते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, आपके जो जीवन में खुशियाँ वाला पार्ट है उसको बढ़ाएंगे। तो शनि और गुरुदेव दोनों मिलकर आपके जीवन के हर एक चीज़ को अच्छी करेंगे, आपकी वाणी का वेट बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बनेगी, आपका बुद्धि सही चलेगा और हर तरफ से लगेगा जैसे कि कोई गुरु आपको मार्ग बता रहा है। अगर हम मई की बात करें तो आपके लिए मई से एक बहुत ही शुभ समय शुरू होगा, क्योंकि शनि देव और गुरु 11 और 14 मई को वक्री हो रहे हैं। शनि देव 11 मई को वक्री होंगे, 14 मई को देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल, तब थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेगी, तब यहां पर आपको ध्यान देना है।
आपके जो कार्य हैं, आप जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा मंदी आ सकता है, आपके स्वभाव में थोड़ा सा आलसपन आ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और इस समय भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। वैसे तो 11 मई तक छप्पर फार सफलता है, लेकिन यहाँ पर से 14 मई से रखिए कि यहाँ से भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तब इस समय रुक जाइए, क्योंकि धन का निवेश अगर इसमें करते हैं तो यकीन मानिए कहीं भी शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, लॉटरी हो, कहीं भी, तो यकीन मानिए तो लॉस हो सकता है, या फिर आप जितना चाहते हैं अच्छा होगा उतना नहीं हो। इसलिए आगे बढ़ने के पहले अपने से बड़ों का सलाह लें। अगर जून की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में फिर से आ जाएंगे, तब आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आने लगेगी, फिर से तमाम कार्य आपके आगे बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे जो तरक्की के मार्ग हैं वो भी खुलने लगेंगे। सितंबर, अब सितंबर के महीने में अगर 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलेंगे, तब आप देखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वही चीज़ आपको सफलताएं देने लगेगा, कार्य में सफलता मिलने लगेगी, तमाम जो रुके हुए अटके हुए कार्य थे वो पूरे होने लगेंगे, लगेगा जैसे दैव योग से सब कुछ हो रहा है, और हो भी भला क्यों ना। 23 सितंबर को राहु अपनी राशि, यानी कि उच्च, जो कहते हैं उच्च माने जाने वाली राशि, मूल त्रिकोण में आएंगे, तो यहाँ पर आपका जो अंदर जो क्षमता है, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, वैसे भी शुक्र की राशि है वृषभ राशि, तो आपका कला में निखार आएगा। आप संगीत के क्षेत्र में हैं, यहाँ पर आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपका दबदबा कायम रहेगा, आपको इस समय सबका मान सम्मान, आपको प्रशंसा भी मिलेगा, हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए, जमीन जायदाद के सुख भी मिलेंगे, खासकर पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यकीन मानिए प्रमोशन होगा। अगर आप जॉब के तलाश में हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको राजकीय सम्मान, यानी राजाओं की तरह सुख दिलवाएगा राहु। तो आप विद्यार्थी हैं तो आप इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, अच्छा समय है, बेहतर रिजल्ट भी आएंगे और पढ़ाई में मन भी लगेगा, यानी भाग्य का साथ और कर्म की गति दोनों के ही पहिए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं विदेश जाकर पढ़ाई करना, कोई बड़ा संस्थान में डिग्री लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, सफलताएं मिलेंगी। अब केतु देव भी राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आएंगे, यानी वैवाहिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी चुनौती, दाम्पत्य जीवन में केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो जीवन में थोड़ी सी परेशानी घोल सकता है, तो आपको यहाँ पर सोच समझकर चलना है। और आपके लिए कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे, कुछ रिश्ते अचानक से टूटेंगे, यानी तोड़ जोड़ बहुत करेगा केतु, तो आप इस समय ओम किं केतवे नमः का जप करेंगे, या फिर रोज़ नहाने के बाद देवगुरु बृहस्पति के चरणों में पीली हल्दी का तिलक लगाकर खुद को तिलक कीजिए। इससे भी, चूँकि बृहस्पति की पूजा करने से केतु का सुख फल मिलता है, तो इस समय ये भी होगा, तो आप बृहस्पति देव को मनाइए, आपका केतु ज़्यादा तंग नहीं करेगा। अगर हम सितंबर की बात करें तो शनिदेव सितंबर में अंतिम समय में मार्गी होंगे, अब यहाँ पर भाग्य का फिर से आपको साथ मिलने लगेगा, यानी सितंबर अंत होते होते आपको जीवन में जितनी भी चीज़ें आपसे छूटती जा रही थी वो ठीक होने लगेगी। आप व्यापारी हैं तो देखिएगा अचानक से आपका ग्रो हो गया, बहुत ज़्यादा आपके फंसे हुए रुके हुए धन आने लगे, आप बहुत व्यस्त हो गए, आपका काम चल निकलेगा। पर्सनल लाइफ की तरफ हालांकि थोड़ा कम समय रहेगा क्योंकि केतु यहाँ पे आ भी है, तो यहाँ पर जितना हो सके संतुलन बनाकर चलें और शांत रहें। वैसे नवंबर में देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में फिर से चले जाएंगे, तब नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, तब इसका आपको फायदा फिर से मिलेगा, यानी स्वास्थ्य की समस्या, लेकिन छप्पर फाड़ सफलता, धन आने लगेगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए 2020 बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, यकीन मानिए आप निहाल हो जाएंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।